कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष रिजवान कुरैशी पर महिला ने छेड़छाड़ व मारपीट का आरोप लगाया है। जहां एक और महिला को सम्मान दिया जा रहा है और उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं मुरादाबाद की महिलाओं की स्थिति शोचनीय बनी हुई है। मुरादाबाद में कभी पुलिस के द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता तो कभी पार्टीकर्ता के द्वारा महिलाओं पर अभद्र व्यवहार किया जाता। मुरादाबाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की दबंगई आई सामने, जहां एक महिला के साथ उसके घर जाकर मारपीट की गई, जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया। मामला तब समझ में आया जब मुरादाबाद गलशहीद स्थित महिला की एक दुकान है जो कि कांग्रेस के नेता के पास किराए पर है, जिसमें नेताजी ने कबाब की दुकान खोल रखी है, जिसके कारण ऊपर रहना महिला का दुश्वार हो गया है। और महिला के द्वारा जब नेताजी से कहा गया कि आपकी दुकान से धुआं हमारे कमरे में आता है जिससे हमें परेशानी होती है, इतना कहना नेताजी का खून गर्म हो गया। तो फिर नेताजी ने महिला के घर जाकर दबंगई दिखाई और लड़की के साथ छेड़छाड़ की, लड़की के कपड़े फाड़ दिए और मारपीट की गई। जब लड़की ने विरोध करना चाहा तो रिजवान कुरैशी के द्वारा लड़की को धमकी दी गई, यदि कहीं कुछ कहा तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो वहीं इस पूरे मामले में जब कांग्रेस के कार्यकर्ता विनोद गुंबर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये सब झूठ है और यदि ऐसा कोई मामला हुआ भी है तो इसकी जांच होगी और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि लड़की को इंसाफ मिल सके। और हम भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर पीड़ित महिला के घर जाकर उससे पूछताछ करेंगे और जो संभव हो सकेगा वो करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उज्मा है। उज्मा जी, क्या था आपका मनबा बताओ? ये था कि यहाँ नीचे जो दुकान वाले हैं, हम कुछ टाइम पहले इन्होंने हमसे दुकान ली थी ऐसी 5-6 साल पहले, तो दुकान जब से ली है जब से ही हमें बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, ना तो ये किराया देते और इतना धुआं करते हैं। मीट के कबाब बेचते हैं दुकान में, दुकान में इतना गोश्त का कारोबार करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, सब बीमारी है। आपको तो पता ही है कि कितनी गंदगी से बीमारी फैलती है। और नीचे कबाब सेकते हैं भट्टी पर तो धुआँ आता है ऊपर को हमारे घर में को, तो सबको परेशानी होती है। धुआँ जब घर में आता है तो सबको सांस लेने में परेशानी होती है। इस वजह से हमारी मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई। अब हमने इनसे धुआं कर, हम 22 तारीख को अपने घर आए थे। अब हमें देखते देखते, हम पहले से भी यहीं के बेटी हैं तो हम यहीं पे रहते थे, तो हमें पहले से भी पता था कि करते हैं, लेकिन अब हम जब अपने ससुराल से यहाँ आए तो अब हमने इनसे कहा कि हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, आप ये धुआंधाई बंद कर दो। तो इन्होंने हमें बड़ी गंदी गंदी गालियाँ बोली, फरहान ने और रफीक ने, जो इनके नौकर हैं रफीक, बहुत गंदी गंदी गालियाँ बोली। अब हमारी मम्मी ने इनको समझाया कि रहने दो, मेरी बेटी ने गलत थोड़ी कहा है। तो इन्होंने अम्मी को भी गालियाँ बकी, हमें भी बकी, और साथ में उनको रिजवान कुरैशी को और उनको अपने भाई को फैसल को बुला लिया और उनके साथ 2-3 और भी लोग थे, तो उन्हें हम नहीं जानते जो लोग उनके साथ में थे, लेकिन इनको रिजवान कुरैशी को और फैसल को हम जानते हैं। ये लोग आए और हमारे साथ बहुत बदतमीजी की, गंदी गंदी हरकतें की और मारने की धमकी देने लगे। बोले अगर तुम ज़्यादा बोलोगी तो तुम्हें मार देंगे और दुकान तो खाली करेंगे नहीं, और ऐसा मेरे बहुत बदतमीजी करी इन्होंने हमारे साथ। बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, हथियार भी साथ में थे इनके, बहुत ज़्यादा गालियाँ बक रहे थे ये हमें। तो आपके साथ क्या करा इन्होंने? हमारे साथ बदतमीजी करी, गलत गलत हरकतें करी बहुत ज़्यादा। कौन कौन से आपने नाम ये इनके? ये फरहान कुरैशी थे और फैसल कुरैशी थे। इन्होंने हमारे पेट में भी लाते मारी, बहुत बदतमीजी से पेश आए। अब आपको क्या बताएं, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी हरकतें करी इन्होंने। मतलब और इन्होंने कांग्रेस के उसमें ये रिजवान कुरैशी थे और इन्होंने बहुत बदतमीजी करी हमारे साथ, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ भी दी। और ये कहते हैं कि पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर सकती, कपड़े वपड़े भी हमारे फाड़े, बहुत बदतमीजी करी और कहा कि पुलिस भी हमारा कुछ नहीं करती, जाओ जो तुमसे हो सके वो करवा लो और दुकान अब तुम्हारी नहीं मिलने वाली। अब ये बताइए, हम गरीब बेसहारा लोग हैं, हमारे छोटे छोटे ये बहन भाई हैं, हमारे पापा भी नहीं हैं, हम किससे मदद मांगे? जब ये लोग ऐसा बोलते हैं तो नेताओं के ऐसा बोलते हैं, कहते हैं हम नेता हैं, हमारा पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, बताइए हम किससे मदद मांगे? तो आपने SSP से मिली थी आप जी? और हमारी मम्मी ने कई जगह रिपोर्टें भी दर्ज कराई, लेकिन कोई भी हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिला दीजिए। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो बेटा क्या करेंगे? हम बहुत परेशान हैं, अब वो तो फिर अल्लाह ही जाने हम क्या करेंगे, लेकिन हम बहुत परेशान हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हम कानून से यही दरख्वास्त करना है कि हमें इंसाफ मिले। हमारी चीज़ें, हम किसी की चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हम तो अपनी खुद की चीज़ मांग रहे हैं। हमने किराए पे दी थी। आपकी FIR तो हो गई है ना?
जी FIR भी कराई, लेकिन कोई अभी हमें वो नहीं दिखाई दे रहा कि हमारी दुकान खाली होती नजर आई। मतलब धमकी भी आती है किसी तरह की? जी, जान से मारने की धमकी देते हैं हमारे ये छोटे छोटे भाई हैं। बताइए, अगर इनका कुछ, अल्लाह ना करे, कुछ कर दिया इन्होंने तो हम क्या कर लेंगे। इसलिए हम बहुत सोच समझ के वो करते हैं कि बस अल्लाह इनकी हिफाजत करे, हमारे भाइयों की। ये लोग तो बहुत हुए हैं, कहते हैं कि हम तो तुम्हारी जान भी ले लेंगे, तो हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, कानून भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बताइए हम क्या करें। ठीक, हम काफ़ी बार FIR भी थी, तो कोई हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला, कोई हमारी दुकान खाली होती भी नहीं दिख रही ना, हमारे साथ कोई वो है। पहले इनके सलूकों में इतनी ही बदतमीजी करते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी माँ बहन और बेटी की गालियाँ बैठते हैं, घर में घुस के मारते हैं हमें। हमारी तो चीज़ ली इन्होंने, हमारी दुकान, और हमारी दुकान में कारोबार करते हैं और हमें ही मारते हैं। हमें हमारी दुकान चाहिए सिर्फ, हम नहीं आपसे इल्तिजा करेंगे, हमारी दुकान हम दिलवा। पहले तो चाहेंगे आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम विनोद गुम्बर है, कांग्रेस का पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। आपके कांग्रेसी नेता को का आरोप ये लगा है कि लड़की के साथ बदतमीजी करी और उसको सरात मारपीट भी करी और उसके कपड़ा पड़े, क्या कहना कहना चाहेंगे? मैं ये नहीं मानता कि हमारे महानगर अध्यक्ष ने किसी भी बहन के साथ या माँ के साथ कोई बदतमीजी करी, क्योंकि अच्छे परिवार से हमारे अध्यक्ष आते हैं। मेरे संज्ञान में प्रेस के द्वारा ये बात आई थी, मैंने पेपर में पढ़ा था। मैंने उनसे पूछा था कि अध्यक्ष जी क्या बात हो गई, तो उन्होंने मुझे बुलाया और 10-12 परिवार के लोगों को एफिडेविट उनके पास थे, उन एफिडेविट को लेकर हम CO साहब के पास गए। CO साहब गलशीत थाने में बैठे थे, उनसे कहा कि देखिए इसकी पूरी जाँच कराइए, किसी महिला ने ये अगर कोई भी आरोप लगाए हैं, गलत हैं या सही हैं, इसको आप देखेंगे, गलत रिपोर्ट ना लिखी जाए। तो जो एफिडेविट थे, एफिडेविट उनको दिए और वो बोले कि मैं इसकी जांच करूँ। तो कांग्रेसी नेताओं को पास कर इसका आपका लाइसेंस मिल गया, तो किसी के साथ भी लड़कियों के साथ कपड़े फाड़ते और छेड़छाड़ी करे? क्या मतलब आपके सामने फाड़े थे क्या? आपने देखा था? आपने नहीं, मैंने मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बनाई भी जा सकती। मैंने मेरे संज्ञान में आया है, मैंने आज ही अभी 3 दिन पहले पेपर में पढ़ा था। अगर कोई चीज़ गलत है तो हम उसको गलत कहेंगे, अगर वो सही है तो हम सही कहेंगे। हम लोग भी इसको देख रहे हैं, अगर ये सही बात होती तो उनके साथ रहने वाले 10 भाइयों ने दिए एफिडेविट बना के दिए। जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया है, यहाँ तक संज्ञान में आया कि ये तो हो सकता है ना, एफिडेविट को भी गलत हो सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, ये जब एफिडेविट दिए हैं, ये दिए CO साहब को, CO साहब उसको जांचेंगे कि ये एफिडेविट गलत है या सही है। मैंने आपसे क्या कहा, ये मामला जांच में चल रहा है, लेकिन मैं निश्चित तौर पर दबंगई कांग्रेस पार्टी का कोई पार्टी कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता दबंगई नहीं करता। नहीं करता। अब इनका चल गया तो क्या मानते हैं आप? जो आपने बताया असलम खुर्शीद का, तो जिन्होंने दबंगई की तो पुलिस ने उनको उठा के बंद कर दिया। मैंने क्या कहा, ये जांच का विषय, अगर ये अगर गलत होंगे, आपका ही कहना उठाकर बंद कर दिया, तो एक तो रंग देख के दूसरा भी रंग बदलता है क्या? नहीं बदलेगा। मैंने आपको क्या कहा है, जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया है, ये कोई दुकान है, दुकान इनके किसी साले के पास है, वो करीबन पिछले 10-15 सालों से किराए पे इनके पास है और वो किराया इनका 200 रुपए से बढ़ता करीबन 2800 रुपए हो गया है। वो जो सुनने में आया है, जो मेरे संज्ञान में आया है, हर साल वो इस प्रकार से कोई ना कोई भुगतती नाटक करती है, नाटक के बाद 200-500 रुपए किराया उसका पड़ जाता है, जो कि मेरे संज्ञान में। अगर गलत किया, आप मेरे पास आज आए हैं, आज आपने मेरे को लिया, अगर मेरे से पुलिस वाले मेरे, अगर आपके गल शहीद के जो भी अधिकारी, अगर पीड़ित महिला मेरे पास आती, नहीं मुझे नहीं, मैंने क्या कहा, आप समझे, उन्होंने कोई आरोप लगाया, मैं जाऊंगा, मैं, आपने मुझसे कहा मैं जाऊंगा और मैं भी इसकी अपनी मतलब निजी स्तर से इसकी मैं जांच करूंगा। उसके अंदर तो डर बैठा है, डर हमको पैदा है, हमें तो लोगों को, हमें तो लोगों के बहन है,
भाई मैंने क्या कहा है, हमें लोगों के अंदर से डर ही तो निकालना है। ये जो लोग जो जनता जो है आज जो जनता, हम अभी भी आपसे कह रहे हैं, हम अभी भी आपसे ना, नहीं नहीं मैंने आपको भाई देख मैंने कोई जो मैंने पेपर में पढ़ा उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि साहब उनके पास वो हथियार थे और हमारा अध्यक्ष ये काम नहीं कर सकता। मुझे अभी भी शोर हूँ और कोई दाएं बाएं के उनके कोई नहीं, FIR में उन्होंने जो उनके साले थे उनका कोई झगड़ा हुआ होगा, उन्होंने नाम मानता हूँ। अब ये जांच का विषय है, अगर देखिए वो पीड़ित महिला कप्तान साहब पे पहुंची, कप्तान साहब ने उसके ऊपर आदेश कर दिए कि इनकी मतलब रिपोर्ट लिखी जाए। अब उसके बाद ये जांच का विषय है, अब उन्होंने जो नौ वो दिए हैं आपके एफिडेविट दिए हैं, उन एफिडेविटों में ये जांच होगी वो सही है गलत है। अगर वो सही है तो मामला आपका वो आपका मामला खत्म। अगर वो सही है, अगर वो सही है, हाँ वो अगर वो सही है तो मैं निश्चित तौर पे महिला के साथ हूँ।